अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त अरशद। आज एक नई वीडियो, एक नए अपडेट के साथ। इससे पहले की वीडियो में मैंने सामने जो आप टनल देख रहे हैं, उसके सामने जो ब्रिज बन रहा है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर की है। और आज इसके आगे जो सड़क है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। आगे जाने से पहले मेरे एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बरवक्त मिलती है। शुक्रिया। अभी आप देख सकते हैं इस जगह को भी हमवार कर रहे हैं और रोलर लगा हुआ है, ज़मीन को सख्त और हमवार कर रहा है। और यहाँ पर जिस सड़क पर अभी हम मौजूद हैं, इंशाल्लाह 1 अक्टूबर को इस पर ट्रैफिक रवा दवा होगा और जो सात सड़क है उस पर थोड़ा बहुत काम रहेगा, तो उस पर काम जारी रहेगा। आगे मैं आपको और भी तफसीलात से आगाह करता हूँ। अभी जिस सड़क पर हम मौजूद हैं तो इसमें 15 फुट पर लाइनें लगा दी गई हैं और उस लाइनों के अंदर रबड़ के पाइप लगाए जाते हैं और उसके ऊपर एक केमिकल लगाया जाता है ताकि इसके अंदर धूल और मिट्टी ना जा सके। और गर्मी और सर्दी की वजह से जब ये पेलता और सुकड़ता है तो उसमें दराड़े ना पड़े। तो अभी उसमें वो काम कर रहे हैं। आगे मैं इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रबड़ का पाइप है उस लाइनों में लगाया जा रहा है और फिर इसके ऊपर जो है एक ख़ास केमिकल लगाया जाता है ताकि ये रबड़ के पाइप के ऊपर धूल वगैरह ना पड़े और ये धूल वगैरह से महफूज रह सके और ये सड़क भी मजबूत रह सके। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर इसमें मसरूफ़ है। अभी इस वीडियो में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।